प्रदेश की राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद थाने क्षेत्र स्थित मल्टी से लापता बच्ची सृष्टि भालसे को आखिरकार पुलिस बचा नहीं पाई। घटना के 3 दिन बाद मासूम का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोग आक्रोशित भी हो गए और थाने का भी घेराव कर दिया। कहां मिली बच्ची की लाश और कौन है आरोपी, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आकाश सैन। दरअसल भोपाल के शाहजहानाबाद में बीते 3 दिन से लापता बच्ची सृष्टि भालसी का शव गुरुवार को मिला है। बच्ची का परिवार जिस वाजपेयी नगर की मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग में रहता है, वहीं पर उसी बिल्डिंग के एक बंद फ्लैट में, जो ठीक सामने जो है पड़ोसी का घर बताया जा रहा है, वहां पर उस फ्लैट के पानी की टंकी में बच्ची का शव मिला है। बच्ची की हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। मामले में पुलिस ने 2 संदेहियों को हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस ने टंकी समेत पोस्टमार्टम के लिए बच्ची के शव को अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं और इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से फिलहाल बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से, जिस अवस्था में बच्ची का शव मिला, उसको लेकर जरूर पुलिस अधिकारी कुछ बता रहे हैं। क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारियों का, आप भी सुनिए। एक चूंकि आप, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, 3 दिन पहले एक बच्ची लापता हुई थी। आज उसी की विंग में, उसी फ्लोर पे जहाँ पर बच्ची रहती थी, उसके सामने से उसकी लाश रिकवर हुई है, जिसको हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए हॉस्पिटल पहुँचा दिया है। जो भी कुछ जानकारी अभी निकल के आएगी, अभी हम आपके साथ में डिटेल शेयर करेंगे। बच्ची के शव मिलने की खबर मिलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। गुस्साई भीड़ ने टीबी हॉस्पिटल रोड पर चक्का जाम कर दिया। थाने के सामने नारेबाजी कर धरना भी दिया। लोग जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहे थे। वहीं मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करने की बात कही और नहीं करने पर सीएम हाउस का घेराव करने की चेतावनी दी। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, आप भी सुनिए। मोहन यादव, इस बच्ची को लेके कहाँ जाएं, इसके शव को लेके कहाँ जाएं? तुम्हारे बंगले आए और वो कलेक्टर साहब कहाँ हैं जो बेरसिया में खड़े होके चिल्ला रहे थे कि जो आप कहोगे सब हो जाएगा, जो बीजेपी के कार्यकर्ता कहेंगे सब हो जाएगा। आज भोपाल की जनता आह्वान कर रही है कि ये एससी की बच्ची है, इसके साथ हुआ, 5 बच्चियों के साथ हुआ, कहाँ है कलेक्टर एसपी? अब मिलने नहीं आना चाह रहा, यहाँ पे मुंह छुपा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भाजपा ने मध्य प्रदेश को हमारी बेटियों के लिए नर्क से बदतर बना दिया है। कहीं हमारी बच्चियों के साथ इन्होंने अपराध हो रहे हैं तो कहीं दिन दहाड़े हत्याएं। भोपाल की एक मासूम बेटी जो 3 दिनों से गायब थी, आज दुर्भाग्यवश पानी की टंकी में मृत मिली है। अगर प्रदेश की राजधानी ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी जगहों पर बेटियां कैसे निश्चित होकर बाहर निकल सकेंगी? ऐसे में इंतजार अब बच्ची की शॉर्ट पीएम रिपोर्ट का भी हो रहा है, क्योंकि बच्ची के साथ दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, जिससे कि मासूम की मौत के पीछे का राज का खुलासा हो सके। लोकमत के लिए मध्य प्रदेश से आकाश सेन की रिपोर्ट।